खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से, जहां तहसील क्षेत्र के मोलापुर नत्थन पट्टी गांव निवासी समाज सेवी दिवाकर मौर्या द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध जी के अनुयायियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के साथ साथ पॉलिथीन प्रतिबंध पर भी जागरूकता रैली निकाली गई, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इस जागरूकता रैली को सफल बनाने के लिए समाज सेवी दिवाकर मौर्य ने इसकी भी पहल की। उन्होंने बताया कि जागरूकता रैली मोलापुर पछुआ पार कुशवाहा गोसाई होते हुए पुनः बुद्ध जी की प्रतिमा के पास आकर के गोष्ठी में तब्दील हो गए। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया, साथ ही यह संकल्पित किया कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। नवमी मौर्य ने लोगों से आह्वान किया, बुद्ध की शरण में आए तभी सभी समाज के वर्ग का कल्याण होगा। इस मौके पर श्रवण राजेंद्र, आरती गीता, संगीता सुमन, प्रीति रितिका, करीना कौशल, सुमित्रा ज्योत्सना सहित अनेक महिला पुरुष ने हिस्सा लिया। मैं नितिका मौर्य आप सभी के यहाँ ग्राम मोलापुर नत्थन पट्टी क्षेत्र से हूँ और मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर्यावरण बहुत ही हमारा देश दूषित हो रहा है, जिस कारण हमें पॉलिथीन का यूज ना करें और इसको इधर उधर ना फेंके और कूड़े को डस्टबिन में ही डाले, इधर उधर ना फेंके और जीव जंतुओं को भी इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि सभी लोग इधर उधर पॉलिथीन को फेंक दे रहे हैं तो जीव जंतु उसको खा ले रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो जा रही है और इससे हमारा देश। मेरा नाम है करीना कुमारी, मोलापुर नत्थन पट्टी से। आज यहाँ पे दिवाकर मौर्य प्रभात फेरी हर महीने में निकाली जाती है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। हम लोग हमेशा इसमें शामिल होते हैं और हमारे बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मैं ग्राम मोलापुर नत्थन पट्टी से मनीषा, आप सभी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने प्रदूषण को दूर करना होगा। जब तक हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित रहेगा तब तक हमारा हमारे समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रदूषण से कितने लोग, कितनी बीमारियां आती हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस दूषित पर्यावरण में रहकर ही हम लोग अपने घरों में रह जाते हैं, कितने लोग बीमारी से ग्रसित होकर अस्पतालों में रह जाते हैं। तो यदि सभी लोग ऐसे ही बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहेगा, हम अपने समाज का कल्याण कैसे कर पाएंगे। जब तक हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे ना हमारे समाज का कल्याण हो पाएगा, ना अपने धर्म को, ना अपने राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। राष्ट्र का निर्माण करने से पहले हमें सरकार तो हमारी जो है स्वच्छता नियम चलाए ही हैं, लेकिन उसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए क्योंकि केवल सरकार का ही काम नहीं है, हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को प्रदूषण से दूर रखें। जब तक हम प्रदूषण को दूर नहीं रखेंगे तब तक हमारा ना समाज ना स्वस्थ रहे। मेरा नाम विक्रांत है और मैं ग्राम मोलापुर का निवासी हूँ। तो हम लोग मात्र एक धार्मिक प्रचार या प्रसार के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हम जब इस कहने तो बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं अपितु इस संपूर्ण मानव समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जागरूकता और ये देश निर्माण और देश का विकास तभी संभव है जब हम एक धार्मिकता के प्रति नहीं, जातिवाद के प्रति नहीं, बल्कि इसमें हम संगठित होकर के कुछ कार्य कर सकें। और इसमें बात यह है कि अगर हम एक इकाई के रूप में हैं और एक ही लोग अपने अंदर एक विशेष भावनाएं लाएं, ये राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग प्रदान करें, तो पहला कार्य है कि हम जहां भी रह रहे हैं अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसे प्रदूषण से दूर करें। तो ये पॉलीथीन जो है, जैसे कि पॉलीथीन शब्द है नहीं बल्कि एक मैं शिक्षित लोगों के लिए भी प्रायः कह रहा हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, इसे पॉली बैग कहा जाता है। और ये पॉली बैग अगर हम प्रयास करते हैं, सरकार भी इसके लिए बहुत कार्यरत है, वो भी शहरों में ये प्लास्टिक की जगह जो है कागज़ का प्रयोग कर रही है। एक किलो से लेकर के या फिर 250 ग्राम से लेकर के 5 किलो तक के पॉली बैग बना रही है, तो वह एक कागज़ का प्रयोग कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया में देखने को मिल रहा है तो ज़्यादातर लोग सस्ता तो मिलता ही है लेकिन इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही कहने तो बहुत ही हानिकारक है, ये मृदा अपरदन के लिए, मृदा के लिए जो बहुत ही हानिकारक है मिट्टी के लिए, इससे हमारे कृषि पर विशेष प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
और यह पाली बैग जो पॉलीथीन है यह प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो हम एक कुछ ना कुछ करके थोड़ी बहुत प्रयास करके जरूर हम ये चाहेंगे कि हम सरकार का पूरा सहयोग करें, क्योंकि राष्ट्र निर्माण हम से लेकर के पूरे सरकार तक है। ये नहीं है कि सरकार का दायित्व बनता है, बल्कि हम इस भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का दायित्व बनता है कि हम इस देश के लिए कुछ ना कुछ करें। आज प्रभात फेरी के बारे में, मेरा नाम दिवाकर मौर्या, ग्राम मुल्लापुर नसरपट्टी निवासी। प्रभात फेरी हर पूर्णिमा को, हर पूर्णमासी को हम लोग प्रभात फेरी निकाल करके जन जन को जगाते हैं कि आप टाइम से जगे और अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे, अपने समाज के प्रति और देश के प्रति, तो विश्व के प्रति। तो ऐसे इस तरह हम करके पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हमारे साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो। जी प्रत्येक पूर्णमासी को ये प्रभात फेरी हम लोग निकालते हैं, इसमें पूरे गांव का सहयोग मिलता है, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिलता है। इस तरह से जो लोग अभी इससे अनभिज्ञ है, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें। और यही हम